वी शुड रीड भगवत गीता, इजंट इट? नो, वी शुड नॉट रीड भगवत गीता. हाउ? ये क्या कह रहे हैं प्रभु जी? भगवत गीता की क्लास चल रही है और कह रहे हैं कि यू शुड नॉट रीड भगवत गीता. यस, वी शुड नॉट रीड भगवत गीता. व्हाई? व्हाई वी शुड नॉट रीड भगवत गीता? यस, वाओ, यहाँ पे सारे स्कॉलर आए हुए हैं हमारे. देखिए, ये तो ऑलरेडी सब स्कॉलर है. आप लोग तो क्लास देने की जरूरत ही नहीं है, सबको पहले से ही पता है सब कुछ. हमें लगता है आप लोगों से सुनना चाहिए हमें. सो वी शुड, प्रभुपाद जी ने कहा है, वी शुड स्टडी भगवत गीता. वी शुड नॉट रीड भगवत गीता. वी शुड स्टडी भगवत गीता. वी शुड ड्रिंक भगवत गीता. वी शुड ईट भगवत गीता. अपने रोम रोम में, नस नस में, खून के अंदर पूरा ऐसा भगवत गीता को घुसा देना है हमको कि कुछ अंतर ही ना रह जाए. बस भगवत गीता मेरे नस नस में, मेरे खून खून में है. तो हम कहते हैं ना, हम इरादे हमारे फौलादी हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. यस, इस तरीके का जोश होना चाहिए हमारे अंदर. इस तरीके से भगवत गीता को हमको पीना है. पीना है मतलब अपने जीवन में उतारना है, उसको अच्छे से पढ़ के समझ के अपने जीवन में उसको उतारना है. तो इस शरीर की तो सफाई हम लोग कर लेते हैं, शरीर की सफाई कर लेते हैं. हम लोग क्या लगाते हैं? घिस घिस के सुबह नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर बालों में शैंपू लगाते हैं, है ना? फिर उसके बाद क्रीम लगाते हैं. ओ हो, चमका लेते हैं बॉडी को, राइट? बिल्कुल बॉडी साफ करके, नहा धोके, बिल्कुल राइट. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर के अंदर भी कुछ है, उसको भी हमें साफ करने की जरूरत है? क्या है वो? वो है हमारा माइंड. We have to cleanse our mind. साबुन लगा के, शैंपू लगा के, तेल लगा के, क्रीम लगा के, ये माइंड साफ नहीं होगा. माइंड साफ कैसे होगा? जब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे होगा हमारा माइंड साफ.